Good morning, students. Today we'll discuss the last topic of chapter 11, that is your infrastructure. हमारा last topic है, what is the healthcare system in India? Presently, हमारा जो India है, इसका healthcare system कैसा चल रहा है? So, सबसे पहले हमारे आते हैं primary health centers, community health centers या sub centers. ये होते क्या हैं basically? These are small hospitals set up mostly in small towns and rural areas. अगर आप किसी भी आज छोटे छोटे गांव में चले जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर, एक हेल्थ सेंटर जरूर होता है. ये क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है रूरल एरिया में, जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करने के लिए, कि रूरल एरिया में कभी वेदर की चेंज की वजह से या कभी कुछ भी हो जाता है, तो एक उनके पास ऑप्शन है कि सबसे पहले वो एक प्राइमरी हेल्थ केयर पर जाएं, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराएं. अगर वहाँ उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वहाँ पे अगर वो अपनी जो डिज़ीज़ है उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, देन दे आर रेफर्ड टू अर्बन एरियाज और टू बिग हॉस्पिटल्स. अदरवाइज प्राइमरी हेल्थ केयर में ही नॉर्मल तरीके से इनको ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है इनको वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. देन दीज सेंटर्स फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ केयर. अब ये जो सेंटर्स होते हैं, इनका काम सिर्फ इतना नहीं होता कि हाँ इनके पास अगर पेशेंट्स आएंगे रूरल एरिया से तो उनको ये ट्रीट करेंगे. ये टाइम टाइम पे छोटे मोटे जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं, हेल्थ केयर, डेंटल चेकअप, मेडिकल चेकअप, कई बार ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये लोग पोलियो ड्रॉप्स के लिए होम विजिट करते हैं, हेपेटाइटिस के जो वैक्सीन्स होते हैं उसके लिए भी रूरल एरियाज़ में जाके पहले कैंपेनिंग करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना. और बिलो 5 जो चिल्ड्रेन होते हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान देना, या जो लेडीज़ होती हैं, विमेन होती हैं हु आर एक्सपेक्टिंग, उनके लिए क्यों ज़रूरी है उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना. व्हाई इज़ न्यूट्रिशन, व्हाई इज़ हेल्थ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ये सब जो चीज़ें होती हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट इन वे ऑफ एजुकेशन थ्रू कैंपेन्स, थ्रू टीचिंग और थ्रू लोकल विजिट्स, जब इंट्रैक्शन करके. तो फिर इस तरीके से डॉक्टर्स भी कई बार इनमें विजिट करते हैं जस्ट टू एनहेंस एंड टू प्रोपोगेट और यू कुड से टू एजुकेट द रूरल पीपल कि उनके लिए हेल्थ पे फोकस करना, हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, वो हेल्थ को यहाँ पर नेग्लेक्ट ना करें. And in this health cares, primary health centers, primary treatment is offered. किसी को फीवर है तो क्यों उसे कहीं पहले बाहर हम रेफर करें, पहले उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं. एंड माइंडेड यहाँ पर डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट करता है, एवरी रूरल एरिया में डॉक्टर्स आर ऑल्सो पोस्टेड. डॉक्टर्स आर पोस्टेड, उनके साथ उनके कुछ असिस्टेंट्स, कुछ आपके जो आंगनवाड़ी होती हैं वो भी, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं इसी से जुड़े हुए होते हैं, जो आंगनवाड़ी होते हैं जो जा जाके सबके घर पे रूरल एरियाज में उनको एजुकेट करते हैं कि अगर आपके घर में बच्चा है तो उसे आप लेकर आइए पोलियो ड्रॉप्स के लिए टाइम टू टाइम. कुछ भी इशू होता है तो डॉक्टर को विजिट करिए. डिसेंट्री की जो प्रॉब्लम होती है, डायरिया की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में देखी जाती थी फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5, वो भी अब बहुत कम हो गई है. नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस. व्हाट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन? इट इज़ अपग्रेडेड हेल्थ केयर सेंटर्स विद फैसिलिटीज ऑफ सर्जरी, एक्सरेज लोकेटेड इन बिग टाउन्स. ये जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दीज आर सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल्स जो अर्बन एरियाज में इस्टेब्लिश होते हैं, जहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट या नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ सर्जरी, एक्सरे, MRI, सिटी स्कैन, इन सब चीज़ों की भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है. ये अपग्रेडेड फॉर्म है ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जहाँ पे छोटी मोटी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट होता है. जो आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइमरी का भी फंक्शन करते हैं और वहाँ पर उनसे एक लेवल आगे बढ़ के ऑपरेशन, सर्जरीज, एक्सरेज और जो एक
कोई भी बड़ी बीमारी है उसके पीछे उसे कैसे जानना है, उसकी इंस्पेक्शन, उसका वहाँ पे मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं इन योर सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये क्या होते हैं? दीज आर हाई एंड एंड फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स। ये फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर रिसर्च भी होती है, राइट कि कोई नई सिम्टम्स दिख गए किसी डिजीज़ के तो उस पेशेंट को लेकर हम रिसर्च भी करते हैं, जहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट जब क्योंकि रिसर्च इसलिए ज़रूरी होती है मेडिकल लाइन में कि पहले जैसे अगर आप टेक एक एग्जांपल है कैंसर का, कैंसर पहले एक दो तरीके के होते थे बट आज के टाइम में आप देखिए कि हर टाइप के कैंसर होते हैं। तो ये कैंसर हम इतने तरीके के होते हैं हमें कैसे पता चला? जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ह्यूमन को ये हुआ, और जब किसी ह्यूमन को हुआ तो वो ह्यूमन ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स में शिफ्ट किया गया जहाँ पर फुल्ली इक्विप्ड हो मेडिकल फैसिलिटीज़, उसे ट्रीटमेंट भी मिले और उसके ऊपर रिसर्च भी हो सके कि ये किस टाइप का कैंसर है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी वैक्सीन इस पर काम करेगी। क्योंकि एक को अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो उसकी वजह से अपकमिंग अगर वैसे कोई कैंसर पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और कंट्री के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा कि एक और डिजीजेस को हम ओवरकम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो दीज रिसर्च सेंटर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ इकोनमी इन कंसिडरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनमी। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक हम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जो भी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी थे, वो हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन आया, वैसे वैसे मेडिकल लाइन में भी, मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन आया। आज ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग ऑफ इंडिया होती है आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर। ठीक है, हैज़ गेंड अ डोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल सब मार्केट्स। प्राइवेटाइजेशन के साथ क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा एक जो अचीवमेंट है वो ये है कि एफिशिएंसी होती है वहाँ पर। आपको मतलब एक करप्शन या एक सोशल बर्डन वैसा यहाँ पे नहीं होता। इन प्राइवेट सेक्टर एवरीवन इज़ विलिंग टू वर्क एंड इज़ वर्किंग टू गेन देयर और टू अर्न देयर इनकम। तो प्राइवेटाइजेशन जो है आज के टाइम पर 80% लोग अगर आप प्रेफर करें तो वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ मुड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ मुड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू मेडिकल फैसिलिटीज़ की। वहाँ पर कुछ से मेडिकल फैसिलिटीज़ को जब उन्हें अटेंड करना होता है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आज आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं तो आप ही को अगर एग्जांपल लें, कुछ बीमारी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि ठीक है पैसा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा सिर्फ इस वजह से सोचते हैं क्योंकि हमारे पास ठीक है पैसे नहीं है लेकिन हमें पता है कि गवर्नमेंट में हम जाएंगे, डॉक्टर्स आए ना आए, देखें ना देखें, तो एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उस पर लोगों का भरोसा उठ चुका है। यही रीज़न है कि जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो काफ़ी यहाँ पर अटेन कर रहे हैं वैल्यू को। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। ठीक है, पहला हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कन्फाइंड टू अर्बन एरियाज़। हमारे लिए हेल्थ इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन जा रहा है? क्योंकि मोस्टली जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो अर्बन एरिया में हैं, बिग टाउन्स में हैं, रूरल एरियाज़ में नहीं हैं जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा इसका लैक ये है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रूरल एरियाज़ में नहीं होती। अब डॉक्टर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ा अर्बन एरिया में रहें। रूरल एरिया में अगर कोई डॉक्टर विजिट कर रहा है तो डेली अप डाउन तो कर नहीं सकता,
उसे फिर वहीं पे सेटल होना पड़ता है. एंड हु वांट्स इन टुडेज वर्ल्ड टू सेटल इन रूरल एरियाज. तो ये भी एक रीज़न आ जाता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक इमर्जिंग चैलेंज बनते जा रहा है. नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़. सच काइंड ऑफ डिजीज़ क्रिएट्स अ थ्रेट टू द सोसाइटी. कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं जो कभी कभी आ जाती हैं, जो एक थ्रेट बन जाती हैं सोसाइटी के लिए, जैसे आज के टाइम पे कोरोना. अगर इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया होता कि सब कुछ बंद कर दीजिए, सारे ऑफिस, सारे स्कूल्स बंद कर दीजिए, तो आज वर्ल्ड की सिचुएशन और ख़राब हो सकती थी. तो यही कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक थ्रेट बन जाते हैं सोसाइटी के लिए कि इनको कैसे ओवरकम करें, क्योंकि बीमारियां तो कैसे कैसे, जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे नई बीमारियां आ रही हैं. सो हाउ टू कम ओवरकम दीज डेडली डिजीजेस. नेक्स्ट इज अ पुअर मैनेजमेंट. इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल लीड्स टू रश ऑफ रूरल एरियाज टू अंडर अर्बन एरियाज फॉर ट्रीटमेंट. क्या होता है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, बेड्स नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, टाइमली वहाँ पे मेडिसिन नहीं अवेलेबल हो रही हैं. तो यही एक रीज़न है कि आज भी अगर रूरल एरिया में किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, या कुछ डिजीज़ हो गई, तो वो क्या करते हैं, वो भले उसके लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन वो लोन लेके आके अर्बन एरिया में ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है लोन लेके हम अर्बन एरिया में आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ट्रीटमेंट तो मिल जाएगा, सफ़र नहीं करना पड़ेगा. प्राइवेटाइजेशन. विथ प्राइवेटाइजेशन हेल्थ केयर इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. आज का केस क्या है कि अगर हमें कोई बीमारी होती भी है तो हम प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें बस वहाँ पैसा देना है, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट वहाँ पे टाइमली हो जाएगा, हमें वहाँ पर डॉक्टर्स जो है टाइमली विजिट करेंगे. वहीं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, हमें ज़्यादा पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कितने टाइम में ठीक होंगे, डॉक्टर विजिट करेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है. नेक्स्ट इज पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस. द गवर्नमेंट हेल्थ केयर आर नॉट दैट मच मेंटेन, दैट इज द रीजन वाई पीपल मूव टू प्राइवेट हॉस्पिटल इन स्पाइट ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. ये आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन से सोचिए. आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ की मेंटेनेंस देखिए, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ की मेंटेनेंस देखिए. आप साफ सफाई के मामले में आप हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंसिडर करेंगे. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर्स हैं वो क्यों पीछे लैग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन नहीं करके रख पाते. नेक्स्ट इज़ योर पुअर सैनिटेशन लेवल. बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू फोकस ऑन क्लीन सराउंडिंग्स, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, एंड अवेयरनेस फॉर सैनिटेशन. दूसरों को भी अवेयर करें फॉर द नीड ऑफ सैनिटेशन. सेवरल प्रोग्राम्स एंड मिशंस हैव बीन एस्टैब्लिश एंड हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम. क्या हुए हैं, सैनिटेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए बहुत सी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है, जिसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया है. एंड पीपल आर अडॉप्टिंग दिस, जैसे स्वच्छ भारत मिशन और भी बहुत से आपके मिशन जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सोसाइटी की तरफ टर्न ला सकते हैं, एक चेंज ला सकते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोन एज ISM. अगर हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो हम क्या क्या जो मेडिसिन है उनमें हमारे सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे डिफरेंट पार्टीशंस हैं. अगर हम इंडियन मेडिसिन की बात करें तो हम किन पे रिलाई करते हैं, आयुर्वेद, जो इंडियन मेडिसिन का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे पुराना तरीका है. देन योगा, यूनानी, यूनानी मींस जो जड़ी बूटियां होती हैं उनसे जो ट्रीटमेंट होता है. सिद्धा, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी क्या होता है, जो नेचुरल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, नेचुरल बन के, ऑर्गेनिक चीज़ों को अडॉप्ट करके जो हम अपने आप को सही करते हैं. देन इज योर होम्योपैथी, जो कि आयुष द्वारा मॉनिटर किया जाता है. सो दीज आर द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो हर चीज़ में फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड होने की आदत हो गई है. आज के टाइम पे कौन इतना पेशेंस रखता है,
क्योंकि पता है ये सब जो तरीके हैं ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये जड़ से बीमारियां शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो हम एलियोपैथी पे चले जाते हैं। हमें इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाता है एलियोपैथी से, लेकिन वो बीमारी कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती। जबकि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से अगर आप जाएं, टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर होता है, लेकिन बीमारियां इससे जड़ से ख़त्म होती हैं। प्रेजेंटली देर आर 3,632 ISM हॉस्पिटल्स, 544 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस एंड 170 PG कॉलेजेस इन इंडिया, जो इनमें ट्रीटमेंट करते हैं और रिसर्च करते हैं और मेडिसिंस को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस चैप्टर योर इंफ्रास्ट्रक्चर।